इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू अपने बिजनेस को एक नए लेवल तक पहुंचा सकते हैं और अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस को इजीली, बहुत ज्यादा इजीली ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। आने वाली सीरीज में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल से आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आइए। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, दोनों का अलग अलग काम है। व्हाट्सएप जो है नॉर्मली पर्सनल चैट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं और व्हाट्सएप बिजनेस को आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस को भी आप पर्सनल चैट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर दोनों व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, दोनों व्हाट्सएप पे आप एक ही नंबर से लॉग इन नहीं कर सकते, आपके पास दो नंबर होने चाहिए, व्हाट्सएप के लिए अलग, व्हाट्सएप बिजनेस के लिए अलग। तो हम जो बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाने की बात कर रहे हैं वो हम व्हाट्सएप बिजनेस के एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। तो आपको जाना है सिंपली प्ले स्टोर पे व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सिंपली आप अपनी आईडी बना लीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका व्हाट्सएप डीपी और स्टेटस, यानी कि डीपी आप वो लगाएंगे जो भी आपका बिजनेस रिप्रेजेंट करता है। मेरा बिजनेस का लोगो है तो मैं वो फोटो वहां पर लगाऊंगा। इसी तरीके से आप स्टेटस में एक शॉर्ट इंट्रो अपने बिजनेस का देंगे, आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी कि मेरा ये बिजनेस है ऐसे है ऐसे, आपको सिंपल और शॉर्ट में दो या तीन लाइन में अपने बिजनेस को समझा देना है ताकि कोई भी नया बंदा या नया कस्टमर अगर आपकी व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल पे आता है, सबसे पहले आपकी डीपी देखकर वो समझ जाएगा कि किस से रिलेटेड ये बिजनेस होने वाला है और आपका स्टेटस देखकर आधा काम उसका वहीं हो जाएगा। लोग अपने बिजनेस का लोगो बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, डेवलपर्स डिजाइनर्स को वो पैसा देकर एक लोगो बनवाते हैं। तो मैं एक हेल्प आपकी कर सकता हूँ, आप फ्री में अपने बिजनेस का लोगो बना सकते हैं घर पे अपने मोबाइल से, आपके पास लैपटॉप है तो और अच्छी बात है। वेबसाइट का नाम है hatchful.shopify.com, आप इस वेबसाइट पे जाइए, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़कर विद इन मिनट्स आप अपना लोगो बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लोगो यहाँ पर कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाकर अपने लोगो को और ज्यादा कस्टमाइज बना सकते हैं, क्योंकि लोगो अगर आपका दमदार है तो आपका आधा बिजनेस वहीं सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले hatchful.shopify.com इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है। आपने लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना बिजनेस का स्पेस सेलेक्ट करना है, आपको किस कैटेगरी का आपका बिजनेस है आप उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर टेक कैटेगरी पे जाऊंगा। उसके बाद आपको अपना लोगो का विजुअल स्टाइल सेलेक्ट करना, आपको किस टाइप का लोगो चाहिए, काम चाहिए, रिलायबल, क्लासिक, क्रिएटिव, एनर्जेटिक। तो यहाँ पर आप तीन कैटेगरीज एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर तीन कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आपको अपना बिजनेस का नाम डालना है, अगर आपको स्लोगन डालना है तो आप स्लोगन डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको किस पर्पस के लिए वो चाहिए, हमें ऑनलाइन स्टोर के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए अलग अलग अपने आप ऑटोमेटिक डिजाइंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए इसमें से कौन सा आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होने वाला है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस का नाम फिर से, और फॉन्ट को एडिट कर सकते हैं, कलर भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सब कुछ करने के बाद, सेट करने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हुई फाइल को कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें से जेपीजी फाइल को निकालना है। तो सबसे पहले आपने जो भी ईमेल से साइन अप किया था उस ईमेल पे आपको एक मेल आ जाएगा, आप उस मेल पे चेक करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेल आ चुका है, आपको सिंपली यहाँ पर ये जिप फाइल को डाउनलोड करना है। हमारी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और आप कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपका फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू ये लिंक्डइन बैनर के हिसाब से सेट हुआ, ये फेसबुक के लिए आपका लोगो जो है मेन लोगो ये वाला है, बाकी ट्रांसपेरेंट लोगो ये है, बाकी अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी उसके साइज के हिसाब से यहाँ पर आपको दे दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लोगो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाता है आपके कस्टमाइज ब्रांडिंग के साथ। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पर अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग इन लोगोज़ को यूज़ कर सकते हैं।